नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते होंगे तो सैमसंग के फोन में यहाँ पे गैलरी ऐप में एक नया अपडेट आया है और अपडेट में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 अमेजिंग फीचर्स जो आप अपने गैलरी ऐप में यूज कर सकते हो इस अपडेट के बाद। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देना चाहता हूँ, जो ये अपडेट है वन यूआई डिवाइस पे ही अवेलेबल है। अगर आपका डिवाइस वन यूआई कोर पे बेस्ड है तो आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गैलरी ऐप से। तो जैसे आप गैलरी को ओपन करोगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये मैंने अपडेट किया है इस फोन में गैलरी को और इस फोन में मैंने अपडेट नहीं किया है। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगा। जैसे आप किसी भी फोटो को यहाँ पे ओपन करोगे एडिट करने के लिए, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे टैप करते हो एडिट करने के लिए, यहाँ पे अब आपको नया फीचर मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कलर मिक्स, जो यहाँ पे पहले नहीं था। तो पहले यहाँ पे स्टाइल के नीचे रिसाइज मिलता था आपको, अब यहाँ पे स्टाइल के नीचे कलर मिक्स, ये नया फीचर आपको मिल रहा है इस अपडेट के बाद। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे, इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आप किसी भी फोटो में जो भी कलर होगा, ठीक है, फोटो में जो भी कलर होगा यहाँ पे शो होंगे, और आप उस कलर को अगर यहाँ पे उसका ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस अगर आप यहाँ पे उसे एडिट करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो मान लो अगर यहाँ पे जो भी फोटो में जो भी ग्रीन कलर है, ठीक है, उसका मुझे एडिट करना है, उसे मुझे कस्टमाइज करना है, तो आप उसका व्यू चेंज कर सकते हो। आप देखना ग्रीन कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हो और इसके अलावा ल्यूमिनेंस एडजस्ट कर सकते हो। तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हो जो ट्री है उसका जो ग्रीन कलर है यहाँ पे एडजस्ट हुआ है। इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर कलर को यहाँ पे एडिट कर सकते हो अपने फोटोज में। इसके अलावा मान लो आपको फोटो में जो भी कलर है यहाँ पे उसका शेड नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एयरड्रॉप का यूज करके उस कलर पे आप रख सकते हो इस तरीके से, और ये कलर हो जाएगा सिलेक्ट। फिर आप उसका जो ह्यू है, सैचुरेशन है, ल्यूमिनेंस है, इस तरीके से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हुआ है कलर मिक्स में। और आपको अगर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चाहिए ग्रे स्केल वाली, तो आप पहले बटन पे यहाँ पे टैप कर सकते हो, आपकी फोटो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट बन जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी कलर का ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने किसी फोटो में जो भी कलर अवेलेबल होंगे उस कलर के, ठीक है। ये है पहला फीचर। इसके बाद दूसरा फीचर जो है, जैसे आप यहाँ पे जाओगे टेक्स्ट ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते थे नीट, ग्रेडियंट। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे ES Techno, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। तो ये टाइपराइटर, ये स्लिम, ये डिफॉल्ट, ये शैडो, ये नीट और ये ग्रेडियंट, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग फोन स्टाइल मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, इतने ही ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे आपको कलर का पैलेट नीचे दिखाई देता था, लेकिन अब यहाँ पे कलर का पैलेट यहाँ पे ऊपर में है और आप यहाँ पे इसका कलर जो आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अब आपको पहले जो सिस्टम फॉन्ट होते थे ना वो नहीं मिलते थे, लेकिन अब आपने जो भी यहाँ पे फॉन्ट्स डाउनलोड किए अपने सिस्टम में, अपने सेटिंग्स में, आपको पता होगा आपने डाउनलोड किए होंगे रोजमेरी, कुलजैस, बहुत सारे फॉन्ट्स आपने डाउनलोड किए होंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे और आप यहां से उन अपने फोन्स को जो भी आपने डाउनलोड किया अपने फोन में आप उन्हें यहां पे सेट कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं यहां पे लिखूं ES Techno, तो आप यहां पे देख सकते हो आपने जो भी डाउनलोड किया ना सेटिंग्स में वो फोन्स आपको यहां पे देखने मिलेंगे। पहले ये नहीं होता था, तो आप अब अपने हिसाब से कोई भी फोन यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपको जानना हुआ कि ये फोन कौन सा है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे पता चलेगा ये है ह्यूमना सांस, ठीक है, फिर ये है पैशन। तो इस तरीके से आपने अपने सिस्टम में जो भी फोन्स को डाउनलोड किया है सेटिंग्स में आप यहाँ पे उन्हें एडजस्ट कर सकते हो, यहां से आप सेट कर सकते हो अपने फोटोज में, ठीक है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये है दूसरा फीचर। और दोस्तों आप फोन की साइज भी कम ज्यादा कर सकते हो, आपको पता ही होगा, तो आपको इस तरीके से कम ज्यादा करने का ऑप्शन भी मिलता है। आप फोन को यहाँ पे उसकी साइज कम ज्यादा कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों जो तीसरा फीचर है जो ऐड हुआ है, पहले क्या होता, पहले अगर आपको किसी फोटो के ऊपर फोटो ऐड करना पड़ता था तो पहले क्या होता, आपको स्टिकर पे टैप करना है, गैलरी के आइकन पे यहाँ पे टैप करना है लास्ट में, और यहाँ पे किसी भी फोटो को अगर ऐड करना हुआ तो आपको यहाँ पे उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे आप किसी भी फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो पूरी फोटो यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाती थी, ठीक है, मतलब आप कट नहीं कर सकते थे पहले, मतलब पूरी फोटो ही इस तरीके से ऐड हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसे आप यहाँ पे स्टिकर पे टैप करोगे, गैलरी के बटन पे टैप करोगे, मान लो आपको यहाँ पे कोई फोटो, यहां से कोई फोटो ऐड करनी है, जैसे आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे अब आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जिसके जरिए आप फोटो को कट कर सकते हो। मान लो आपको यहाँ पे इस फोटो को कट करके स्नैप करना है आपको, और जो पर्टिकुलर पार्ट है वही आपको अपने फोटो में ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे अगर यहाँ पे इसका मेन हिस्सा ही ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्नैप। अब मैं करूंगा यहाँ पे सिलेक्ट,
और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो हिस्सा मुझे चाहिए फोटोज में वही हिस्सा मैंने यहाँ पे कट करके यहाँ पे ऐड किया है। तो आप इस तरीके से जो हिस्सा चाहिए आपको फोटोज में से वही हिस्से को आप कट कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको और दिखाऊंगा गैलरी में, अब मान लो यहाँ पे मुझे फोटो ऐड करनी है ये वाली, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूंगा, मुझे जितना हिस्सा चाहिए मैं उतना ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये होगी सिलेक्ट। अगर मैं यहाँ पे करूंगा इसे डन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे जो हिस्सा चाहिए था मैंने उसी तरह से यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और आप इस तरीके से अब फोटो ऐड करते हुए ही स्नैप करके या कट करके फोटो को इस तरह से यहाँ पे अपने फोटोज के ऊपर फोटो ऐड कर सकते हो। इस तरीके से पूरी फोटो अब यहाँ पे ऐड नहीं होगी, आप उन्हें कट कर सकते हो ऐड करने से पहले। तो दोस्तों ये थे वो तीन नए फीचर्स जो आपको गैलरी में देखने मिलते हैं फोटो एडिटर में। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना हो इस अपडेट को तो आप लिंक पे टैप करके इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हो गैलेक्सी स्टोर से। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।